नमस्ते दोस्तों, मॉम द शेफ में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक खास ट्विस्ट के साथ चटपटा आलू का पराठे की रेसिपी। ये है एक नया अंदाज जिसे देखकर सब कहेंगे वाह क्या बात है। ये डिश ट्रेडिशनल इंडियन डिश है जो हर किसी को अपने स्वाद और घर की याद दिलाने का अंदाज दिखाता है। इसे बनाना भी काफी आसान है। गर्मा गर्म बटर या दही के साथ परोसा गया आलू का पराठा हर भोजन को स्पेशल बनाता है। इसके सुगंधित और डिलीशियस टेस्ट ने इसे देश भर में सबसे पसंदीदा ब्रेकफास्ट में से एक बनाया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लो कच्चे आलू और उन्हें कद्दूकस कर दो। इससे आलू की फिलिंग में मिलेगी वो परफेक्ट टेक्सचर जो पराठे को और भी लजीज बनाएगा। अब इन कद्दूकस आलूओं को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, पानी से धो लिया है और इसका पानी मैंने निथारने के लिए रख दिया था। अब ये ड्राई हो गया है, तो देखिए ये कैसा ड्राई हो गया। इसमें जरा भी पानी नहीं रहना चाहिए। और मैंने उसी शेप में प्याज भी कट कर लिए है। और अब प्याज में एक चम्मच नमक डाल करके इसको मिला देंगे सारे प्याज को, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा का पानी है वो रिलीज हो जाए। तो इसे हम मिला करके 5-10 मिनट ऐसे ही ढक करके छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्ची और लहसुन को तैयार करके रखा है, इसको मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। तो चलिए अब हम ड्राई मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 काली मिर्च, 4 लौंग, 1 चम्मच जीरा और 2 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच मैंने बड़ी वाली सौंफ ली है। इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक के इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आ जाती। इसको सेकते रहें, तो देखिए इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के बाद में मिक्सी जार में इसको दरदरा सा पीस लेंगे। अब पैन में तेल गरम करें और उसमें 1 चम्मच जीरा डालें और हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी इसमें ऐड करके इस सबको सोते कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और जो हमने सूखा मसाला तैयार किया था वो भी इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच भर के पाव भाजी मसाला और 1 चम्मच मैंने दरदरा सा गरम मसाला ऐड किया है और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये मसाले देंगे आलू को एक मजेदार ट्विस्ट। अब स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। यदि आप नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। आलू के जो लच्छे हैं वो मसालों में अच्छे से लपेटेंगे, ताकि हर बाइट में मिलेगा वो ही चटपटा सापन। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और 5 मिनट तक के इन सारे मसालों को कुक होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब ये प्याज का हम पानी निकाल लेंगे, तो कॉटन का जो पतला कपड़ा होता है उसमें डाल करके इन सारे प्याज का पानी हम निचोड़ लेंगे। आज मैंने प्याज को मसालों के साथ में नहीं पकाया है, इसे हम कच्चा ही डालेंगे, ताकि जो इसकी स्टफिंग करेंगे ना हम, तो इसका स्वाद और भी डबल होने वाला है। तो देखिए मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर लेंगे और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे वापस से। इससे मिलेगा लेयर ऑफ फ्लेवर जो पराठों की हर बाइट में आपको महसूस होगा। तो हमारा यहाँ पर मसाला बनकर के कुक हो गया है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने डिफरेंट तरीके से
मसाला बना के तैयार कर लिया है और कितना आसान है, हर कोई इस मसाले को बना सकता है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब तक कि ये ठंडा नहीं होता तब तक के हम डो तैयार कर लेंगे पराठे का। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और 4 चम्मच इसमें तेल ऐड करेंगे। अब इसे आटे में अच्छे से मिला लेंगे ताकि जब हम पराठा बनाएंगे तो अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक डो तैयार करेंगे। डो को हमने थोड़ा सा, जो चपाती के लिए हम आटा गूंथते हैं वैसा ही हमें डो तैयार करना है। डो को 5 मिनट के लिए ढक करके सेट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद में डो को फिर से मेश करते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब मसाले में हरा धनिया ऐड करेंगे। हरे धनिया से टेस्ट काफी अच्छा आता है। यदि आपके पास में हरा धनिया हो तो इसे डालना ना भूले। अब मैंने मीडियम साइज की लोई ली है, इसको आटे में लपेट करके एक रोटी सी बेल लेंगे। अब इसमें बीचों बीच इस आलू के मसाले को हम फिल करेंगे। इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए बीचों बीच डो को इकट्ठा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा का जो आटा है उसे हम निकाल लेंगे। और इसे फिर से आटे में लपेट करके हथेली की मदद से हम चारों तरफ मसाले को फैला देंगे और बेलन से इसको हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब इधर तवा भी गर्म हो गया है। तो एक तरफ से सीख चुका है, इसको पलट देंगे। जब ये दूसरी तरफ से सीख जाए तो इसके ऊपर वाले भाग में घी लगा करके इसको पलट देंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होता है जब तक के सेक लेंगे और दूसरी तरफ भी इसे घी लगा करके पलट देंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा लच्छा चटपटा आलू का पराठा, जिसका स्वाद है बिल्कुल अलग और चटपटा। आप भी इसे ट्राई करें और हमें बताएं कैसा लगा ये आपको नया ट्विस्ट। इसी तरह आप डिलीशियस रेसिपी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मॉम द शेफ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद।